नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप लोगों के सामने लाया है एक 24 वोल्ट की बैटरी। ये देख सकते हैं, बनाने जा रहे हैं तो सोचे आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दे। ये देख सकते हैं 24 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं और ये देख सकते हैं ग्रीन कलर के BAK का सेल है। BAK 2900 मिली एम्पियर का सेल है। किसी कस्टमर को देना है 24 वोल्ट के मोटर किट के लिए। ये 24 वोल्ट के बैटरी और इतना छोटा बैटरी देख सकते हैं, इतना छोटा सा बैटरी है और ये 14.5 एम्पियर के बैटरी बनेगा 24 वोल्ट में। ये 2900 मिली एम्पियर का सेल है, हाई डिस्चार्जिंग का कैपेसिटी के सेल है ये। 3C रेटिंग का बहुत अच्छा एवरेज मिलेगा, इतना सा बैटरी में काफी अच्छा एवरेज मिलेगा। और एक बैटरी ये देख सकते हैं, ये बनाने जा रहे हैं ओकिनावा रीज के बैटरी पैक। ये रूफर के सेल है, 2500 मिली एम्पियर का है और ये 17 सीरीज में बनेगा, 60 वोल्ट का। ये दो पार्ट में इसको बनाने जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सीरीज में है और ये 9 सीरीज में। इसको अभी सेल कम है, बैलेंस कर रहे हैं सेल को। बैलेंस करके एक ही बार में इस सेल को लगा के तब सोल्डरिंग स्पॉट वेल्डिंग करेंगे इस पर। और इसके लिए देख सकते हैं ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, देख सकते हैं। ये अभी इसको इस मशीन से स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाएंगे और बैटरी पैक बना लेंगे। और उसके बाद BMS जब इंस्टॉल करेंगे इस पे जब BMS इंस्टॉल करेंगे उस समय भी दिखाएंगे। तो बैटरी पैक, ये कस्टमर का बैटरी पैक है दोनों, ये जाने वाला है जल्दी जल्दी, इसलिए बनाया जा रहा है। तो सोचे आप लोगों का इसका अपडेट दे दे। आप लोगों को किसी भाई को अगर बैटरी पैक की जरूरत होता है, इधर मैं किसी भाई को इस तरह से 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट की किसी किसी भाई को अगर बैटरी पैक की जरूरत है, बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। आप सेल ले आके देंगे तो भी हम बना के दे देंगे और सेल BMS होल्डर वगैरह सब कुछ दे देंगे। इसका सिर्फ बनवाई लिया जाएगा और बाकी टोटल बना करके दे दिया जाएगा। और हमसे सारे सामान दे करके ही अगर बोलेंगे बना के देने के लिए, वो भी बन जाएगा। रूफर के सेल से भी बनवा सकते हैं और इस तरह के BAK के सेल से भी बनवा सकते हैं। BAK ये वाला सेल 2900 मिली एम्पियर का सेल काफी महंगा पड़ता है। ये 100 रुपये से ज्यादा का ये सेल है और रूफर कंपनी का सेल है, ये काफी सस्ता पड़ता है। इससे भी बैटरी पैक बनवा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा चलता है। तो चलिए इसको दिखाते हैं, पहले फटाफट इसको स्पॉट वेल्डिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और लास्ट में वीडियो के एंड में इसका BMS इंस्टॉल करते हुए भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए इसको दिखाते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारे पैरेलल कनेक्शन दे दिए हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सीरीज है। अभी सीरीज कनेक्शन नहीं दिए हैं, पैरेलल कनेक्शन हो गया है। अब इसमें से इसमें और फिर नीचे से इसमें इस तरह करके जाना है। और ये सेल जो लगाए हैं ये देख सकते हैं, यहाँ यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ सीरियल नंबर है इन लोगों का, रजिस्ट्रेशन नंबर BAK A40 लिखा है। ये एक्चुअली 2900 mA का है और EV सेल है, ये 3C रेटिंग का EV सेल है। इससे बैटरी पैक बनता है तो काफ़ी अच्छा चलता है, एवरेज भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अब इसमें BMS कनेक्शन अभी नहीं करना है, अभी सीरीज कनेक्शन होगा, उसके बाद BMS के कनेक्शन होगा। तो जब BMS का कनेक्शन करना होगा उस समय फिर वीडियो में लौटेंगे और दिखाएंगे BMS को कनेक्शन कैसे किया जाता है। बहुत इजी होता है, आप लोग देख करके घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, इसलिए कि नए नए वीडियो लाते रहते हैं और काफ़ी साफ सुथरा वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए देते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आगे वीडियो देखते रहिएगा। और दोस्तों देख सकते हैं ये बैटरी पैक तैयार हो गया है, इसका सीरीज कनेक्शन पूरा कर दिया है और इसका वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। पच्चीस वोल्ट से ऊपर है, ठीक है। अभी चार्ज करना पड़ेगा इसको। और इसका BMS ये है, देख सकते हैं ये 7 सीरीज का है। यहाँ रखेंगे इसका, यहाँ इसके ऊपर ऐसे रख के यहाँ टेप मारा जाएगा इसको रखने के लिए। और ये कनेक्शन है, देख सकते हैं ये B- है, बैटरी के माइनस में सीधे चला जाएगा। और ये दो तारे निकाला गया, देख सकते हैं वाइट और येलो में। ये P- है, ये डिस्चार्जिंग माइनस है और ये डिस्चार्जिंग प्लस है, ठीक है। और इसी में से चार्जिंग एक एक तार, दो दो तार और निकाल लेना है। ये सेम पोर्ट का है, ये दोनों जो पोर्ट है ये सेम पोर्ट का है। और ये इसमें से एक तार और निकालना है चार्जिंग के लिए, और यही से मतलब डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों हो जाएगा। मतलब एक तार इसमें से और निकालना है, एक तार इसमें से और निकालना है, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का पोर्ट अलग अलग बना लेना है। तो दोस्तों ये जो तारे हैं देख सकते हैं, ये रेड वाला ये मेन पॉजिटिव है, बैटरी का मेन पॉजिटिव है। इसमें सीधा यहाँ कनेक्शन होगा, करके दिखा देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों देख सकते हैं ऊपर से दिखा, ये देखिए ये कनेक्शन हो गया। इसके बाद एक एक करके, ये पहला है ये दूसरा है, तो ये दूसरा वाला तार जो है यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से कनेक्शन देते जाना है। तो ये देख सकते हैं दूसरा वाला है, नीचे से लिया है दूसरे वाला को, देख सकते हैं ये नीचे से दूसरे नंबर पे इसको लेके गए हैं। और फिर तीसरा वाला इसमें आएगा, ये जो है यहाँ तीसरा वाला आएगा। दोस्तों BMS लगा दिया है, देख सकते हैं BMS का कनेक्शन हो गया है। ये दो पोर्ट है सेम पोर्ट में है, ये माइनस है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों माइनस है, और ये पॉजिटिव है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पॉजिटिव है। और अब BMS के थ्रू देख सकते हैं,
25.2 वोल्ट इसमें दिखा रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इसमें से दो पोर्ट और निकालना है तो ये बाहर रखा जाएगा, इसमें से हमारे कस्टमर जो है एक एक तार और निकाल लेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के लिए हो जाएगा। तो चलिए इसको पैक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बाहरी पैक ये हो गया है, और इसको ये श्रिंक पेपर में डालना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 24 वोल्ट के बैटरी तैयार हो गया है, और इसमें से बैटरी चेक करके वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। वोल्टेज पच्चीस पॉइंट दो वोल्ट है। ठीक है, ये अभी चार्ज करना पड़ेगा और होल्ड, ये करीब करीब 29 वोल्ट तक चार्ज होगा। तो चलिए वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।